निगार तो इबादत को लेकर यहाँ आ नहीं पाए, पर इस कैमरा के रिकॉर्डिंग दिखाकर मैं इबादत के दिल में सुभान के खिलाफ गलत फहमी का बीज बो सकती हूँ। बहुत खूब मन्नत, बहुत खूब। तीर जाके सीधा निशाने पे लगा। सुभान और इबादत के रिश्ते में दरार पैदा करने की शुरुआत हो चुकी है। बहुत जल्द दोनों की शादी बर्बादी में बदलने वाली है। सो सॉरी अपी, एक्चुअली ना मैं अपने फोन का ना कैमरा चेक कर रही थी। मैं आपके कमरे के बाहर से गुजरी ना, तो मैंने कैमरा पैन किया तो मुझे ये सब दिखाई दिया, तो मैंने इसका वीडियो बना लिया। इडियट, बेशर्म, हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें मार के मैं अपना हाथ गंदे नहीं करना चाहती, बस अपना मुंह बंद रखना वरना पड़ेगी एक। अरे पर मैंने क्या किया? वीडियो तो निगारे पर है ना। कहा था ना कि अपना मुंह बंद रखना। हाँ, वीडियो इस बेवकूफ ने बनाया। तुम तो बड़े हो ना, तुम्हें इसे समझाना चाहिए, डांटना चाहिए, पर नहीं, तुम तो वीडियो देख रहे थे और हंस रहे थे। मन्नत का है? क्या मन्नत अपने कमरे में है? अब तुमने इतनी जोर से उसे थप्पड़ मारा है, बेचारी का मुंह टेढ़ा हो गया, बोला नहीं जा रहा उससे। मन्नत, क्या हुआ है? वो तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अब इसे क्या हुआ? मुझे डांटने के बजाय इसने मुझे गले क्यों लगा लिया? I'm so sorry, मन्नत। Sorry? Sorry क्यों इब्बू? मनु सुभान ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, उसी की वजह से मैं तुमसे सॉरी कहने आई हूँ। क्या किया सुभान ने? मनु, आई नो सुभान ने तुम्हें अपनी बाहों में पकड़ लिया, गले लगा लिया। तुम सोच रही होगी ना कि सुभान ने ऐसा क्यों किया? मैं बताती हूँ तुम्हें, सुभान पागल हो गया है। उसने फैमिली ग्रुप में वो वीडियो भेजा था तुम्हें जलाने के लिए। हाँ मन्नु, और अब तुम्हारे करीब आ रहा है, मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है। मन्नु तुम प्लीज सुभान की हरकतों को सीरियसली मत लेना। सुभान ने इतना सब कुछ कर दिया हमें जलाने के लिए? I'm shocked, Dibbu. I know, मन्नु, पर अब सुभान को कौन समझाए? वो बदला लेने के चक्कर में पागल हो गया है, कुछ का कुछ कर रहा है। एनीवे मन्नू, प्लीज तुम उसकी बातों को माइंड मत करना, मैं चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखो। तुम भी वो। क्या हो गया लामिया? मेहनत से प्लान बनाया था कि इबादत और सुभान के रिश्ते में गलत फहमियां पैदा हो, पूरा खेल ही उल्टा पड़ गया। ये इबादत, इसकी मोटी खाल पर कोई असर ही नहीं होता है। जीती हुई बाजी हार गई मैं। अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी सुभान को हासिल कर पाऊंगी मैं।